हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू वन एकेडमी। तो बेटा आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस अगर हमें पता नहीं होगा तो हम चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, हम अलाइन नहीं कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन से और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे। तो एक बार सिलेबस अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, क्विकली आपको सारी चीजें बहुत जल्दी से और अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। जनरल टेस्ट, जब हम सीयूटी की बात करते हैं तो सीयूटी का आपको पता ही है एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है या तीन सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेज की बात की जाती है, ये हमें पता है, और सेकंड सेक्शन में डोमेन्स की बात की जाती है, जो कि आपके ट्वेल्थ के जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वहां पे डोमेन्स की बात करते हैं। थर्ड सेक्शन में बात की जाती है जनरल टेस्ट की, और जनरल टेस्ट एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर बच्चों को सिलेबस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं है कि सिलेबस क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, अगर हम ये वाले सेक्शन का एग्जाम देंगे तो क्या क्वेश्चन आएंगे। तो आज के सेशन में यही सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं कौन हूँ, मुझे तो आप सभी जानते होंगे, मैं हूँ आप सभी की सीयूटी मेंटर शीतल जांगिड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ऑलराइट, तो बेटा ये जो सिलेबस है ये मैंने cut.samarth.ac से लिया है। ये सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट के लिए लिया है, आप डोमेन्स लैंग्वेज सबका वहां पे सिलेबस इंक्लूडेड है, डाला हुआ है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्या करना है, cut.samarth.ac लिखना है, आप खोलोगे एक वेबसाइट खुल जाएगा, उसके बाद ऊपर ही आपको एक पॉइंटर दिखेगा सिलेबस, उस सिलेबस पे जाना और वहां पे सारे सब्जेक्ट्स का आपके पास सिलेबस आ जाएगा। नाउ अगर हम सिलेबस पढ़े तो सिलेबस में यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन द क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, पहला टॉपिक दिया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, और मेरे साथ आप यही पढ़ते हो शीतल मैम, यानी कि मैं आपको यही पढ़ाती हूँ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, एंड देन फोर्थ पे दिया हुआ है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, आज मैं आपको जिसके बारे में समझाने वाली हूँ वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब बेटा करंट अफेयर तो हम एक बार को तो भी समझ लेंगे कि करंट अफेयर जो भी करंट में इवेंट्स चल रहे होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। स्पोर्ट्स के हो जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, ये सब हमें करंट अफेयर में पढ़ना होता है। बट करंट अफेयर का टाइम पीरियड कि मैम कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सीयूटी में कितने समय का करंट अफेयर पूछा जाता है। नाउ इससे पहले एक वर्ड लिखा है जनरल नॉलेज। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि बेटा जनरल नॉलेज एक किताब पढ़ लो हो जाएगा, वही से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि जनरल नॉलेज की कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि भाई स्टेट का पढ़ लो हो जाएगा या राजस्थान का पढ़ लो हो जाएगा। कहीं से भी जीके के नाम पर तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, हिस्ट्री का पूछ लेगा, ज्योग्राफी का पूछ लेगा, इकोनॉमी का पूछ लेगा, पॉलिटी का पूछ लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लेगा, पर घबराना नहीं है क्योंकि शीतल मैम है आपके साथ। नाउ जनरल नॉलेज की जब भी हम बात करते हैं और करंट अफेयर की बात करते हैं तो पहले ये एक हम छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल कितने नंबर का पेपर होता है। तो बेटा जीटी का पेपर टोटल आपका 250 मार्क्स का होता है। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन का कितना नंबर दिया जाता है, वन क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, नाउ अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके कितने जाते हैं, 5 तो जाते हैं क्योंकि वो गलत किया है आपने, प्लस माइनस 1 होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ऑलराइट, तो टोटल मार्क्स जीटी के आपको 250 का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 60 दिए होते हैं, 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 50, तो 10 तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, 10 कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है, तो 10 बच्चे रीजनिंग के क्वांस के छोड़ के आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम जीके एंड करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 15 से 20 का एवरेज लिया जाता है, इतने क्वेश्चंस तो आपको जीके करंट अफेयर से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने की छूट मिली है, आप इसमें से कई बार बच्चों को जीके सीए नहीं आते, एक दो क्वेश्चन तो वो भी छोड़ देते हैं। नाउ मैम क्या हर बैच में 15 से 20 पूछे जाते हैं, बेटा ये लक की बात होती है। 2023 की बात करूं तो फर्स्ट मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें कम क्वेश्चन थे, बट अगर जून की एग्जाम हुई तो उसमें करंट अफेयर भरमार पूछा हुआ था। ठीक है, और 30th मई की बात करूं तो जीके बहुत पूछा हुआ था। तो ये क्या है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहां से ज्यादा पूछेगा। Now, let's move कि मैम हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 60 questions आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 50 attempt करने होंगे, total 250 marks का होगा। अब एक बार मैं आपको छोटी सी झलक दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था, ये CUT 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया, क्या लिखा है, Who wrote the book हिंद स्वराज। तो books and author के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसने लिखी है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑलराइट, ये हमें पता होगा, तभी पता होगा जब हम तैयारी करेंगे। नेक्स्ट,
Which among the following is a dance from the Andhra Pradesh? Andhra Pradesh से कौन सा डांस बिलोंग करता है? अब ये सारे क्या है, ये सारे क्लासिकल डांसेज हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं. नाउ आंध्र प्रदेश से कौन सा बिलोंग करता है? तो जब आप शीतल मैम से पढ़ोगे, शीतल मैम ये सारी बातें आपको पढ़ाएंगी, इसका आंसर होगा ए, कुचिपुड़ी. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब टॉपिक्स का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जीके को हमने कैसे पढ़ना है. तो बेटा जीके को आप ये ध्यान रखो, छोटी सी बात मैं हर बार अपने सेशंस में बताती हूँ बेटा, 12th के बच्चे ये वाला पेपर देंगे. 12th में साइंस का बच्चा भी देता है, ठीक है, कॉमर्स का भी देता है और ह्यूमैनिटीज का भी देता है. अब ये तीन बच्चे जब अब 11th में आते हैं तो अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रीम्स चूज कर लेते हैं, बट 10th तक, कब तक? 10th तक इन सारे बच्चों ने एक ही सिलेबस पढ़ा है. तो यस, हमें 6th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है. अब 6th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी, मैम इतनी किताबें पढ़नी है? नहीं नहीं, उसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कहां से क्वेश्चन हो जाए, पूछा जाएगा, ये सारी चीजें. हम एजुकेटर्स होते हैं ना, एक्सपर्ट्स किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना जीके कवर करते हैं. जीके आपसे 6th से लेकर 10th तक से ही पूछेगा. अब इसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा. हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से मूवमेंट्स आए, ये सारी चीजें पढ़ना है क्योंकि जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा. ज्योग्राफी की बात करते हैं तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना होता है, रिवर्स के बारे में पढ़ना होता है, माउंटेन्स के बारे में. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, पर हम बहुत आसानी से सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं. पॉलिटी हमें पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना होगा, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर, साइंस एंड जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये आपका जीके का सिलेबस रहेगा, ठीक है. अब बेटा अगर इस बार या यहाँ पर इस टाइम पर अगर आप अपना जीके या जीए स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए बैठोगे, कोई भी, और ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है, आप चाहे किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ जाओ, एसएससी लेवल पे बैठ जाओ, जीडी के लिए बैठ जाओ, या एमटीएस के लिए बैठ जाओ, या सीजीएल के लिए बैठ जाओ, सिलेबस यही होता है, बस एक लेवल बढ़ा जाता है. जब आप एसएससी का पेपर दोगे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, सीयूटी का दोगे तो लेवल थोड़ा सा डाउन पे रहेगा, ठीक है. बट क्या सिर्फ आप सीयूटी का ही पेपर दे सकते हो 12th के बाद? नहीं बेटा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम निकालती है, जैसे कि क्राइस्ट हो गया, सेट हो गया, सिम्बायसिस का और एक्सेट्रा, आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो बाय ये सब पढ़ने के साथ साथ. नाउ करंट अफेयर की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर में इवेंट्स क्या चल रहा है सराउंडिंग में, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे. नाउ कितना पढ़ना है? मैं 1.5 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगी. और ये मत सोचो कि मैम इतना सिलेबस है, भरोसा रखो क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता है. पिछले साल इतने बच्चे पढ़ाए, उससे पिछले साल इतने बच्चे पढ़ाए, सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्लास में ही याद करवा के भेजते हो, ठीक है. खुद के बारे में ब्रैग नहीं कर रही हूँ, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर से पूछ लेना, कमेंट्स बॉक्स जाकर देख लेना, बच्चे सच में बोलते हैं कि मैम वही आया जो आपने पढ़ाया, क्योंकि हम एनालिसिस कर लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. स्टैटिक जीके में वर्ल्ड जीके भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, छोटी छोटी बातें, स्पोर्ट्स जीके, अवार्ड्स एंड नोबेल प्राइज, स्टेट वाइज स्टैटिक जीके. तो ये देखने में बहुत बड़ी चीजें लगती है, बट यहाँ से क्या पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी. नाउ अगर आप हमारे साथ यानी कि अनअकैडमी के साथ पढ़ना चाहते हो, अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में, कोर्सेज के बारे में भी बता देती हूँ. तो अनअकैडमी पे अभी मेरा फुल ईयर कोर्स चल रहा है, ज्यादा क्लासेस मिस नहीं हुई है, आप आराम से उनको रिकॉर्डिंग देखकर कवर कर सकते हो. अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको अलग से भी पढ़ा दूंगी. नाउ कवरिंग फोर एरियाज, तो ये जो कोर्सेज हमने लगाए हैं इसमें हम फोर एरियाज को कवर करेंगे. पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, फिर मॉक टेस्ट करवाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे. तो एक कंप्लीट बैच होने वाला है, ठीक है. नाउ एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज की, ये आप अपनी टीम देख सकते हो. अगर आप कॉमर्स यानी डोमेन आपके सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के हैं तो आपकी टीम ये है, अगर आपके डोमेन ह्यूमैनिटीज के तो आपकी टीम ये है, साइंस की टीम और एलजीटी की टीम में आते हैं वरुण सर, राहुल सर एंड शीतल मैम. अच्छा मैं नहीं दिख रही होंगी तो शायद अब आप मुझे देख सकते हो. नाउ एक बार कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कॉस्ट है मैम, कितने का पड़ेगा ये भी बता दीजिए. तो बेटा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स के लिए लेना है, ठीक है, तो 583 पर मंथ का रहेगा, और अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हो तो 6999 का रहता है. और अगर इसमें आप मेरा कोड लगाओगे जो कि SJ100, तो यू विल अवेल द मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड के साथ आपको मिलने वाला है. अगर आपको सिर्फ LGT पढ़ना है, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पढ़ना है, डोमेन नहीं पढ़ना है, तो अगेन 583 रहेगा पर मंथ और 1 ईयर का 6999 रहेगा. एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड टू गेट द मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैम हमें डोमेन की भी तैयारी करनी है और LGT की भी करनी है, विच इज द राइट अप्रोच. तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी हमारे पास एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे,
यहाँ पे 833 का आपको एक महीने का कॉस्ट रहेगा और एक दिन का कॉस्ट निकल के आता है 27 रुपए। 27 रुपए में हम एक दिन पढ़ ही सकते हैं अपने भले के लिए। 27 रुपए में क्या आता है आजकल बताओ? बहुत छोटा सा अमाउंट है। आप एक दिन में 27 रुपए खर्च करके और महीने में 833 खर्च करके, और अगर आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 999 खर्च करके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। कॉन्टेंट एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अस ओनली, मतलब मेरे सब्जेक्ट का मैं ही प्रोवाइड करती हूँ। ऑल राइट, बस कोड लगाना मत भूलना क्योंकि हमें इंडियंस और हमें चाहिए डिस्काउंट हर चीज में। ऑल राइट, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल रिप्लाई। ये है टेलीग्राम के लिंक्स, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUT UG Unacademy। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो आप करोगे। बाय बाय, टेक केयर।